बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरे पास ये HG 8546M का एक्सपोन का ये ONU है जो न्यू सॉफ्टवेयर के साथ मार्केट में आया है, तो इसके आज हम कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन के लिए हम एडवांस कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर आ जाएंगे। तो उसके बाद आपने लैन कॉन्फ़िगरेशन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे ये चारों के चारों लैन जो है इन पे टिक कर देना है आपने। टिक करने के बाद अप्लाई कर दें इसको। इसके बाद सिंपली आपने वैन कॉन्फ़िगरेशन जो है वैन को कॉन्फ़िगर करना होगा। उसके लिए आपने ये वैन कॉन्फ़िगरेशन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे हम अपने जो PPO यूज़र है उसको कॉन्फ़िगर करेंगे। न्यू पे आ जाएं और यहाँ पे आपने PPO को सिलेक्ट करना है और यहाँ पे आपने VLAN ID डालनी है। अगर आपने VLAN ID पीछे से रखी हुई है आपने माइक्रोटिक में या वीसोलो LT में तो यहाँ पे लगा लें, अदरवाइज़ नहीं रखी तो इसको ख़त्म कर दें। तो मैंने रखी हुई है इसलिए मैं यहाँ पे VLAN ID भी डाल रहा हूँ। ठीक है, नीचे आपने यूज़र नेम जो है वो रख लेना है PPOE का और नीचे पासवर्ड। और यहाँ पे आपने ये चार की चार जो लैन थी इसको टिक कर देना है और SSID जो है इसको भी टिक कर देना है और इसको अप्लाई कर देना है। तो जब अप्लाई हो जाएगा तो उसके बाद आपने इसकी जो है W लैन जो है वाईफाई की सेटिंग करनी है आपने। तो वाईफाई के लिए आपने सिंपली जो है W लैन के ऊपर आ जाना है। ठीक है, तो यहाँ पे वायरलेस की सेटिंग करेंगे हम वाईफाई की। न्यू पे आ जाएं यहाँ पे और यहाँ पे आपने नेम क्या रखना है और यहाँ पे इनेबल SSID जो है वो दे दें। ठीक है, अप्लाई कर दें। ये अप्लाई हो गया तो इसको मैं ये वाले SSID को मैं क्लिक करता हूँ। तो यहाँ WPA2 सेलेक्ट कर लें आप और यहाँ पे आपने वाईफाई का पासवर्ड लगा देना है जो आप लगाना चाह रहे हैं। ठीक है, अप्लाई कर दें। इतना सा काम था, ये आपकी ONU की कॉन्फ़िगरेशन जो है वो कंप्लीट हो गई है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।